गरियाबंद में किसानों को साल भर बाद भी बारदाने का भुगतान नहीं हुआ है। जिले के तकरीबन 30,000 किसानों का करोड़ों का भुगतान अभी भी अटका हुआ है। किसान इसको लेकर कई बार मांग कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ है। वहीं अधिकारी हमेशा की तरह इस बार भी जल्द भुगतान की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। किसानों के मुताबिक पिछले साल समितियों में बारदाने की शॉर्टेज होने पर उन्होंने अपने बारदाने में धान भरकर समितियों में बेचा था। समितियों द्वारा 12 रुपए प्रति बोरा की दर से भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसानों को अब 25 से 40 रुपए में बोरा खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बारदाना सर, वो लोग आपकी बारदाना दोगे तो हम धान तोलेंगे, बोलने से ठीक है भाई ले लो। अब कलेक्टर साहब से हम बोले थे अपना मुँह से 19 रुपया मिलेगा बोल के, फिर अभी तक तो मिला नहीं है। आपका कितना बारदाना है? मेरा 150 है। 150 बारदाना, तो कभी बात उठी थी कि किस कितना रुपए? आम सभा हुआ था, यहाँ मीटिंग वगैरह हुई थी, तो उस समय भी बोले थे। अधिक जानकारी के लिए पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, यहाँ पर हम देखे हैं जब वादा किया गया था कि उसी दाम में फिर से बारदाने दिए जाएंगे, तो आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है उनके द्वारा? जी, तो सबसे पहली बात तो कि धान खरीद योजना इतनी संवेदनशील योजना थी, जिसमें सबसे पहले कि शॉर्टेज बारदाने भेजकर लापरवाही तो मार्केट ने किया था, जो खरीदी योजना सरकार की तरफ से हुई थी, लेकिन उसका खामियाजा जो है किसान को भुगतते देखा जा सकता है। 2018-19 में वैसे ही पूरे जिले भर के जो 62 खरीदी केंद्र में 8,44,745 बारदाने की किसानों की बारदाने में खरीदने की नौबत ये अंतिम स्थिति में आई थी। जब अंतिम चरण में था तो उस समय जो सरकार जो है पर्याप्त मात्रा में खरीदी के अंतिम समय में जो है बारदाने सप्लाई नहीं कर सकी, और लास्ट में ये आदेश जारी किया गया कि ये किसान जो है अपने जिस किसान ने अपने बोरे में भर के लाया है वही बोरे की खरीदी की जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा। भुगतान करने का आश्वासन देने के बाद किसान तो राजी हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद यह कह दिया गया कि उन्हें 12 रुपये का भुगतान होगा, जबकि वही मार्ग फेट ठेकेदार से जब खरीदती है तो 40 रुपये का तय मूल्य तय करती है, और जब किसानों के देने की बारी आई तो केवल 12 रुपये में तय किया, तब भी किसान राजी हो गए। लेकिन उनको उसी सीजन में मिल जाना था, अब नेक्स्ट सीजन शुरू हो गया, किसानों को फिर से अपने धान भर के समिति तक ले जाने की स्थिति आ गई है, लेकिन इस बार किसान जो है अपने खुद के जो है फिर से दोबारा। चलिए, आपको रुकना चाहूंगी पुरुषोत्तम। यहाँ पर किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोरेलाल साहू, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, बहुत बहुत। आखिर बारदाने क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? 1 साल बहुत लंबा समय होता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप किसानों की आवाज को जिम्मेदार तक पहुंचा रहे हैं, और अब तक यहाँ पर विभाग का जो रवैया है दोहरा रवैया रहा है। यहाँ पे किसान लगभग 60 से अधिक खरीदी केंद्र है जिले में, जिसमें से 30,000 से अधिक किसानों ने लगभग 8.5 लाख बारदाना अपना दिया हुआ है। उस समय 2018-19 में बारदाने की कमी हुई यहाँ पर, तो विभाग ने निर्देश जारी किया कि किसानों के बारदाने को खरीदे जाए 12 रुपए की कीमत पर, और किसानों ने उस बारदाने को बाजार जिसका भाव है 25 से 27 रुपया, फिर भी वो सहमत हो गए 12 रुपए देने पे। लेकिन आज तक विभाग जो है वो 12 रुपए का जो भुगतान है वो किसानों को कर नहीं पाया है, और जिम्मेदार अधिकारियों से जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो जिला नोडल अधिकारी का कहना है कि हमारे सॉफ्टवेयर में किसानों के बारदाने का जिक्र ही नहीं है जी। तो इस बारे में लगातार विभाग द्वारा गुमराह कर किया जा रहा है, और हमारे देवभोग विकासखंड में ही लगभग 4 खरीदी केंद्र में लगभग 3 लाख बारदाने किसानों को उसका भुगतान लेना है, 3 लाख बारदाने का, जिसका कीमत लगभग 33 लाख रुपए के आसपास होता है जी। और जिससे जिसको अभी तक किसानों को ना तो भुगतान किया गया है ना कोई इसी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है। इससे किसान फिर से धान अब खरीदी केंद्र तक अपना धान ले जाने के लिए फिर से उसको बारदाना खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि किसान इसको इस बारदाने को 2 से 3 बार उपयोग करता है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान जो है वो 2 तरह के धान उगाते हैं, कम अवधि के धान और अधिक अवधि के धान। तो उस बारदाने को वो पहले कम अवधि के धान को खरीदी केंद्र में जाकर बेचता था, उसके बाद अधिक अवधि के धान को खरीदी केंद्र में बेचता था, और अब समस्या ये हो गई कि सरकार ने 1 माह पहले ही लेट कर दिया है खरीदी को, जो कि नवंबर माह में हो जाना चाहिए था लेकिन दिसंबर में खरीदी हुई। इसके कारण कम अवधि के धान और अधिक अवधि के धान दोनों स्टॉक करना पड़े, तो किसान के ऊपर एक दोहरा दबाव हो गया कि उसको बारदाना फिर से। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, नोडल अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि प्रकाश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी,
गरियाबंद से जिस तरह से हम खबरें देख रहे हैं, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, उन्हें बारदाना नहीं दिया जा रहा, आखिर क्या वजह है सर यहाँ पर? बारदाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जितने पैसों में लिया गया था समितियों ने उनसे बारदाने, अब उन्हें बारदाना नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि उनके कंप्यूटर में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर सुन पा रहे हैं आप? तो शायद हमारे संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो लगातार किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए, देखा आपने, और हमारे साथ प्रकाश शर्मा फिर से जुड़ गए हैं। सर जिस तरह से बारदाने के पैसे किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो एक साल बीत जाने के बाद भी लगातार किसान गुहार लगा रहा है? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, किसान नेता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं अपनी परेशानी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको आपका पैसा जो है सरकार दे पाए। प्रमुखता से ये खबर हम भी दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि आपको आपके बारदाने के पैसे जल्द मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।